कोई गल बहुत समझन वाली नहीं तो एक ऐसा परम पै सकता है जेड़ा सिख दे जीवन विच एक तड़ा दीवार बन खलोंदा है ते मंजिल नहीं मिल सकती। अक्सर इस परम ने ही आज दी दुनिया नु आज दे संसार नु गुमराह कीता होया है। असी बिना कुर्बानी दी डीपली सोच विचार ते जदों ए दो लफ्ज इकट्ठे संबंधित करके पढ़ लेने आ कि कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम दोए भले बराबर हो गए कि दोवां दा फैसला भी दे दिता राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम दोए भले हुण दोए भले की गल ते वाजिब है इंदे विच कोई शक नहीं ऐसा विश्वास होना भी चाहिदा है कि दोए भले पर ओ दो किस रूप विच असी ब्राह्मणिज्म दे एक फैसले नूं सामने रखिए ते विचारिए
उन्हें हर एक चीज देहधारी दिसन वाली बना दिती। दिसन वाली चीज का कोई चिन्ह कोई शकल रूप हुंदा, इसलिए उन्हें राम का भी कोई रूप सी, भावे उन्हें किसी मनुख नू निश्चित किया ते भावे किसी मूर्ति नू निश्चित किया, उन्हें राम का कोई रूप बना दिता। ते जे उन्हें राम का कोई रूप है तो फिर एक विश्वास करे उन्हें संत का भी कोई रूप है, इसलिए उन्हें भगवे कपड़िया वाले हाथ विच चिप्पी फड़ के गल विच माला पा के मथे ते टिक्का ला के घर घर दर दर मंगन वाले ते मंग के रोटी खान वाले किसे मनुख दे रूप विच संत चतर लिया, क्योंकि उन्हें देहधारी रूप बनाना सी। उनका राम भी रूप माने ते उनका संत भी रूप माने, उनके डी अजीब गल है। जे असी ब्राह्मणिज्म दे राम ते संत नूं अपना राम ते संत रूप मन लैने आ, तां ही ख्याल करिओ एक सब तो वड्डी परेशानी खड़ी हो जाएगी कि साडे कोलों निरंकार शब्द ही चला जाएगा, अकाल शब्द ही चला जाएगा। निरंकार का अर्थ ते दो हरफी है, निराकार, निरंकार लफज निराकार तो बने है, जिंदा कोई आकार नहीं, रूप ना रेख ना रंग किछ, त्रै गुण ते प्रभ भिन्न। देखना असी विचारना इस कल में, फिर साढ़े को निरंकार शब्द चला गया, अकाल शब्द भी चला गया, क्योंकि जड़ी चीज दिसदी है उनके ते काल जरूर है। गुरबाणी का ही फैसला है, जो दिशे सो सगल विनाशी, इसलिए वो अकाल भी न रहा। दो लफज जेड़े साढ़े जीवन के केंद्र ने निरंकार ते अकाल, दोनों तो असी सखने हो गए जे असी अपना रब रूप मान कर लईए ब्राह्मणिज्म के मुताबिक। इसलिए मैं थोड़ा जा विस्तार थोड़े को आज साझा करना चाहना, क्योंकि ये बाबा कबीर जी का श्लोक ऐसा आ गया है जिस श्लोक को असी चंगी तरह गहराई नाल ना समझिया तो भरम विच जा सकने दोए भले। तो एक ख्याल करिए, जे ब्राह्मणिज्म दा राम ते ब्राह्मणिज्म दा संत ही असी मान लैने ते फिर दोनों रूपमान हो गए, ते रूपमान हर एक चीज दा कोई रूप तस्वर निश्चित किया जाता है, इसलिए उन्हें अपने भगवान दियां चार बाहां अठ बाहां सिर ते मुकुट गल धनुष। हालांकि असी भी जाने अनजाने बहुत सारिया ऐसिया गलतियां भरम विच पल रहे हैं, कारण क्योंकि गुरबाणी दी डीपली विचार नहीं कर रहे। होया कि असी उनके नाल चिन्ह निश्चित किते, उन्हां चिन्हां तो, क्योंकि चिन्ह तो हमेशा अरूपमान दे नाल ही निश्चित होणगे। मैं एक बार बहुत देर हुई अर्ज कीती सी बई कुछ गल्लां साडे विच प्रचलित कीतियां गईयां, आपां अरदास विच भी एक
ਕਾਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿ ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ ਸੀਸ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕਲਗੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀਰ ਰਾਸ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਿਆ ਜੈਸਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਜ ਸਾਡੇ ਤਹਿ ਤਹਿ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੋਵੇ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਗੋਲ ਪੱਗ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪੀ ਜਾਂ ਗੜਵਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨੇ ਬੱਗ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਸੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਦੋਏ ਭਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੀਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ ਦੋਏ ਭਲੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਭਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਲ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਫੜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੋਏ ਭਲੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ ਦੋਏ ਭਲੇ ਪਰ ਉਹ ਰਾਮ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਵੀ ਨਿਰਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਵੀ ਨਿਰਆਕਾਰ ਹੈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਦੋਏ ਭਲੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗੂੜ ਹੈ ਮਾਨੋ ਰਾਮ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ
एक और रस्ता जिंदे ते चलना है। रस्ते दा ते मंजिल दा आपस विच गूगा संबंध है। जिस मंजिल दा कोई रस्ता ही नहीं उथे कौन पहुंचेगा, ते जिस रस्ते दी कोई मंजिल ही नहीं, आप तुसी देख दियो ऐथे भी जे असी ध्यान देईए बड़े तवज्जो नाल, ते जिन्ने मेन रस्ते ने जिन्ने हाईवे ने उन्हें उत्ते बोर्ड क्यों लाए होंगे ने, जिन्ना बोर्डा ते मंजिल का नाम लिखा होंगे कि ए हाईवे इस थां ते जांदा है। जे उत्थे लिखा होवे ए हाईवे तो पता ही नहीं कित्थे जांदा ते भला कौन ते सफर करेगा। सोचियो पंजाब विच भी मैं देखना छोटे छोटे राह वड्डियां सड़कां तो निकलदे ने, उत्थे छोटे छोटे बोर्ड लगे हुंदे ने ते ऐस पिंड नूं राह जांदा है। जिन्ने उस पिंड जाना है उन्नू ओ राह ते तुरना पैना, उन्नू उस राह ते जाना पैना। राह दा ते मंजिल दा पिंड दा ठिकाने दा आपस विच गूढ़ा रिश्ता है, दोनों ही आपस विचों वक्त नहीं कीते जा सकते। इसलिए एक ख्याल करियो पहला इस गल नूं समझना है कि संत की है एक अवस्था, एक रस्ता, जीवन की एक पद्धति, जीवन की एक शैली चाली, ते राम साडे जीवन की मंजिल है जिथे पहुंचना है। इसलिए दोवां चीजां नूं असी बराबर जोड़ के रखना है। साडा रस्ता राम दे घर वल जांदा होवे। एक मैं होर भी इत्थे अर्ज करा, जिवें दोवां नूं वख वख नहीं कीता जा सकदा, जिवें मैं हुणे अर्ज कीती है मंजिल तो बिना राह दा कोई फायदा नहीं, जिंदी कोई मंजिल नहीं, ते राह तो बिना उस मंजिल टिकाने का कोई फायदा नहीं, जिथे राह ही कोई नहीं जाता उथे कोई नहीं पुजता। यह सब कुछ होने के बावजूद एक ख्याल करना, जिस आदमी ने जिस राह अख्तियार करना है, जेड़ा भी राह अख्तियार करना है मंजिल के बाद आना, जिसनों असी सतसंगत साध संगत कहने संतां की संगत कहने, वह सब कुछ यह रस्ता है जिन्हें यह अडोप्ट करना है। रब न मिलन के राह संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागो पाल की मतलब है, भाव निम्रता सहित उस रस्ते अडोप्ट करना उस पर। एक ख्याल करो अडोप्ट करन तो पहला एक गल तो निश्चित जरूरी करनी है ना भी मेरा पिंड केड़ा है, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। सत्संगत कैसी जानी है जिथे एक नाम बखाणी है, एक प्रभु नाल एक मालिक नाल जुड़न लई जेड़ा रस्ता जांदा होवे, जेड़ा राह जांदा होवे उसे राह नूं संत आखदे ने। ओ राह है रस्ता है। हुण मसला यह है कि इस नूं होर यकीन करन लई असीं गुरु कोलों पुछ लईए, गुरु को पुछ लीजिए जी असी रब दे राह ते चलना चाहना है, क्योंकि राह तो दो ही ने ना, जा संसार दा जा निरंकार दा, जा परमार्थ दा जा स्वार्थ दा। स्वार्थ दे राह बहुते ने ते मनुख ते भुल जांदा, मनमुख भूली बहुत ही राह। निरंकार दा राह इको है। इसलिए ख्याल करो सतगुरु कहते हैं जे तेनू अपनी मंजिल का पता लग गया है कि मैं निरंकार दे राह ते चलना है, तो गुरु को पुछ लै, जे तेन समझ ना आवे तो गुरु को पुछ लै जी रब दे राहां ते चलन वाला रस्ता केड़ा है, भाव संत केड़ा है। उथे संत रस्ते का राह है, ना कि किसी व्यक्ति किसी दे किसी चिन्ह धारण करके कोई रूप बना के अपने आप नूं संत कहलाने वाले का नाम है।
जी दसो मेरे रब रूप मंजिल जेड़ी मेरी जीवन दी मंजिल है उनका राह केड़ा है। ते सतगुरु ने बड़ा खूबसूरत ढंग दसिया बाणी अंदर दस्यो इस जेड़ा ढंग जेड़ा राह गुरु ने दसिया जिन्हों गुरु ने संत आख्या ये भी नहीं भी संत ना आख्या हो जिन्हों गुरु ने संत आख्या उनके विच दस्यो भला केड़ा ना किसे चिन्ह दा हो। सतगुरु कहिंदे ने कहिंदे ने जे ओ राह पुछना ते ओ राह की है ओ संत केड़ा है कहन लगे संत रहे तो सुनो मेरे भाई गुरबाणी है लफज भी संत है रहत दा मतलब है रहनी सहनी मर्यादा रहत मर्यादा रस्ता कहन लगे संत रहत की है आठ पैर निकट कर जाने दस्यो इस सारी लिस्ट विच किस थान ते लिखा होवे उनके चिट्टे कपड़े होन उनके उनकी गोलका पग हो गई दसो सतगुरु की बाणी च अपनी रचना तो संत की परिभाषा दिती है कि वह रस्ता है ते रस्ता की है आठ पैर निकट कर जाने पक्का किया मीठा माने एक नाम संतन आधार होए रही सब की पगछार संत रहत सुनो मेरे भाई ओ आकी महिमा कथन न जाई वर्तन जाके केवल नाम अंधरूप कीर्तन विश्राम मित्र सत्तर जाके एक समान है। सारी अवस्था अज तुसी मैनूं दसोगे कोई डेरा ऐसा जिंदे केस अदालतां विच नहीं चल रहा जिथे मित्र सत्तर कोई नहीं क्योंकि असी मनुखी शख्सियतां नूं रूप विच रहने वाले चिन्हां विच रहने वाले लोगों नूं रब बना लिया ते चिन्हां वाले रहने वाले चिन्हां विच रहने वाले लोगों नूं ही संत निश्चित कर लिया। गुरु कहिंदे नहीं बल्कि मित्र सत्तर जाके एक समाने प्रभ अपने बिन अवर ना जाने जेड़ा राह एक परमात्मा दे प्रभु दे मंजिल वाल जांदा होवे ओ अपने चेलियां बालकियां सतगुरु ने पानी विच क्यों आख्या कहन लगे चाले थे हार मिलन को बीचे अटक्यो चीत क्योंकि रस्ते बदल गए रस्तियां दे आफ हो गया। गुरु ने इसे लिए आख्या पलिया दोवें चीजां सत्कार योग ने राम भी ते संत भी पर ए दोनों जड़े ने उनकी निशानी समझ लै दोनों ही एक मंजिल है एक रस्ता है रस्ते ते मंजिल नूं वख वख नहीं कीता जा सकता इसे तरह राम संत में भेद किछ नहीं जदों तू दोहां नूं एक रस्ते ते मंजिल दे रूप विच जानेगा फिर ये पढ़ बाबा कबीर जी दा शब्द ये कहिंदे नी अपनी रसना तो बाबा कबीर जी ने इसलिए आख दिता कह लगी राक संत एक राह एक संत एक राह सेवा को दोए भले कबीर सेवा को दोए भले कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राह एक संत एक एक संत एक राह एक संत एक राह। सो जिन्नी देर असी इस गल नूं नहीं समझदे कि साडा निरंकार भी निराकार है दे नहीं साडा गुरु भी दे नहीं जोत है शब्द है ते साडा संत भी दे नहीं ओ एक रस्ता है संत का मार्ग धर्म की पौड़ी ओ मार्ग है ओ रस्ता है ओ चलन दी विधि है
ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਫਰਮਾਂਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।